जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नौकरी तक पे। हम पुनः उपस्थित हैं एक नए वीडियो के साथ जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये आज का अपडेट है जो सचिवालय से आया है। सचिवालय से कहने का मतलब है कि आप लोग जो भावी शिक्षक बनने वाले हैं, ये सचिवालय से अपडेट है। तो जो सातवां चरण का शिक्षक बहाली जो आने वाला है, ये कन्फर्म है कि जुलाई के लास्ट नहीं तो अगस्त के फर्स्ट वीक में आपका अधिसूचना आ जाएगा। 110% हम बोल रहे हैं, इसके लिए किससे पूछना नहीं है, हमारी भी बातचीत होती है। चूँकि आपके ही जो ये सातवां चरण शिक्षक बहाली का एक ग्रुप बना हुआ है, आपको पता होगा भावी प्रारंभिक शिक्षा संघ आप लोग का जो बना हुआ है, जो उसके अध्यक्ष जो है सिद्धार्थ कश्यप जी है, और जो अध्यक्षा है जो महिला मोर्चा के जो अध्यक्षा है वो विनीता मैम है। उनके माध्यम से, और खासकर एक और सर है जो पहले थे उस ग्रुप में, वो भी है, चूँकि मुझे इतना जानकारी नहीं है, हम तो टीचर हैं, तो एक शायद सिद्धा ये सत्यम जी, उनका ही वीडियो देखे हैं, तो उन सभी के माध्यम से। लेकिन मुझे विश्वसनीय ये लगा, आप पढ़िएगा तो एक लेटर मतलब उन्होंने एक टेलीग्राम पर लिख के भेजा है सभी अभ्यर्थी को, चूँकि वो अध्यक्ष है कौन, विनीता मैम और ये सिद्धार्थ कश्यप जी। तो उन्होंने, चूँकि सभी विद्यार्थी उन्हीं के पीछे पीछे चल गए हैं, और सही में वही अध्यक्ष और अध्यक्षा भी विनीता मैम, तो उन्होंने एक टेलीग्राम पे लिख के भेजा है कि आज सचिवालय में क्या क्या बात हुआ, आज का अपडेट क्या था। तो जो मैं आप लोग को जैसा उन्होंने लिखा है मेरे पास भी आया है, तो वैसे सेम टू सेम आपको वैसे ही बताएंगे। देखिए क्या लिखा है। तो जो सिद्धार्थ कश्यप जी जो है, उन्होंने लिखा है, सभी साथियों को नमस्कार, यानी आप जितने भी भावी से जो शिक्षक बनने वाले हैं, सीटेट बीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी, उन सभी को उन्होंने संदेश दिया आज। इसको शेयर कीजिएगा जितना हो सके इस वीडियो को। सभी साथियों को नमस्कार। हम लोग सचिवालय में प्राथमिक निदेशक से मिले, यानी क्या बोल रहे हैं वो, प्राथमिक निदेशक से मिले। कौन मिले? ये दोनों जो अध्यक्ष हैं कश्यप जी और विनीता मैम, ये दोनों आज जाके दिन में निदेशक रवि प्रकाश जी से मिलने गए थे और मिले भी। वार्ता हमारी सफल रही, यानी जो बातें जो हुई रवि प्रकाश जी प्राथमिक निदेशक और विनीता मैम जो कश्यप के बीच जो हुई वार्ता सफल रहा। सभी प्रश्नों का जवाब भी प्राथमिक निदेशक यानी रवि प्रकाश के द्वारा दिया गया। अब क्या दिया गया, प्रश्न क्या था? सिद्धार्थ कश्यप जी का जो प्रश्न था, उन्होंने कहा, सर 52,000 सीटों को विखंडित करने के लिए आश्वस्त भी किए। यानी आपको पता होगा कि छठा चरण में क्या था, 42,000 शिक्षकों की बहाली हुई है, उसमें से 52,000 सीट खाली रह गया, और अधिकांश सीट पता है किसका खाली रह गया छठे चरण में, महिला का। तो समथिंग 52,000 जो सीट खाली रह गया है, तो इन दोनों ने लेटर देके कहा रवि प्रकाश सर को, सर ये जो सीट जो बचा हुआ है, पिछला जो रिक्ति बचा हुआ है, कम से कम उसको आप विखंडित कीजिए। विखंडित मतलब उसको तोड़िए, उसको डिवाइड कीजिए किसके बीच में। अगर मान लीजिए महिला का सीट अगर खाली है, तो उसी वर्ग में, जैसे मान लीजिए जनरल महिला का सीट खाली जहाँ होगा, वहाँ जनरल पुलिस को मौका दिया जाए सातवें चरण में, वही विखंडन हुआ। अगर मान लीजिए ओबीसी महिला का जहाँ सीट खाली है, तो वहाँ ओबीसी मेल यानी पुरुष को मौका दे दिया जाए, तो विखंडन वाली बात उन्होंने सर को कहा, अभी प्रकाश सर को, ये विनीता मैम और सिद्धार्थ कश्यप जी ने, तो उन्होंने मान लिया, वही बात उन्होंने मान लिया। अभी प्रकाश जी ने बोला, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, अच्छा लगा आइडिया। दूसरा, फिर उन्होंने प्रश्न पूछा कश्यप जी ने, वेब पोर्टल लगभग बन चुकी है, क्या बन चुकी है सर? उन्होंने प्रश्न किया प्राथमिक निदेशक से अभी प्रकाश जी से, सर जो वेब पोर्टल की जो बात हुई है, ऑनलाइन जो होगा, चूँकि किसी न किसी वेबसाइट होगा, कोई वेबसाइट होगा, क्या वो बन गया? तो उन्होंने कहा अभी प्रकाश जी, बिल्कुल बन गया। तो इससे भी साबित होता है कि अब ऑनलाइन होगा। कुछ अभ्यर्थी गलत फहमी फैला रहे हैं या नहीं पता है उनको, तो उनको बता दूँ, ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन का सिंपल और ठेठ मतलब बता दे, जैसे कोई कभी जीवन में आप ग्रुप डी का एग्ज़ाम तो दिए होंगे, या मैट्रिक या इंटर के बाद एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम दिए होंगे, तो उसमें क्या होता है, ऑनलाइन फॉर्म फिल होता है, तो वेब पोर्टल पर उसका एक वेबसाइट होता है, तो वेब पोर्टल भी होगा, और साथ में तीसरा है बहाली ऑनलाइन और सेंट्रलाइज 110% होगा। अब ये कहिए कैसे, क्योंकि शिक्षा मंत्री जी भी कह दिए कि अब होगा ही, तो आप लोग बैठा लीजिए दिमाग में। और चौथा प्रश्न है कि सर सातवां चरण जो कुछ अभ्यर्थी बोलते हैं बीटेक लीजिए नहीं तो हम सुप्रीम कोर्ट में केस कर देंगे, आप धमकी दे गए, तो इस पर क्या आया आपका, क्या सातवां चरण प्राथमिक शिक्षक बहाली का बात होगा? इसने जो सिद्धार्थ कश्यप जी ने प्रश्न पूछा उनसे रवि प्रकाश सर से, प्राथमिक सर सातवां चरण प्राथमिक शिक्षक बहाली समय हो जाएगा ना? प्राथमिक मतलब क्या, एक से लेके आठवीं तक का इन्होंने बस बात किया है। अब हाई स्कूल में क्या होता है, माध्यमिक में क्या, उच्च माध्यमिक में क्या, उसके लिए नहीं, प्राथमिक शिक्षक बहाली जो है
वो सौ समय हो जाएगा। उनका ये प्रश्न था, किनका? ये कश्यप जी का, विनीता मैम का, रवि प्रकाश सर से। तो उन्होंने बोला बिल्कुल, सातवां चरण जो प्राथमिक शिक्षक बहाली है, यानी एक से लेकर आठवीं तक का बहाली, सौ समय यानी कि जुलाई नहीं तो अगस्त के फर्स्ट वीक में आपको अधिसूचना यानी विज्ञप्ति देखने को मिलेगा। ये गारंटेड है, हम नहीं बोल रहे, ये शिक्षा विभाग और माननीय शिक्षा मंत्री जी के द्वारा जो वक्तव्य दिया गया वो हम बता रहे हैं, ठीक है। ये आज का ताज़ा अपडेट था। तो आपके जो भावी शिक्षक जो संघ के जो अध्यक्ष है और अध्यक्षा जो है उनके माध्यम से जो प्रश्न पूछा गया रवि प्रकाश जी से सातवां चरण को लेके, तो उसी के बारे में डिटेल आपको आज का ये दिन का बात है, तो मैं सोचा कि आपको पता नहीं ये क्या है, ये तिलचट्टा है, कॉकरोच है, इसलिए परेशान हो गए। चलिए, तो ये आज का अपडेट था। और एक चीज़ मैं और बता दूँ, सुबह में एक दो वीडियो और जाएगा आपका महिला के लिए, अभी ये फाइनल नहीं हुआ है लेकिन पेपर में आ गया है। पहला कि अदर स्टेट की जो महिला है जिनकी शादी किनसे हुई, बिहारी लड़के से हो गई, तो इस पे बात चल रहा है, इसको आरक्षण नहीं देने का, ऐसा पेपर में कल के न्यूज़ में आपको हम दिखा देंगे, वीडियो बन चुका है आपको मिल जाएगा। ये हम नहीं बोल रहे हैं, फिर परेशान मत कीजिएगा कॉल करके, सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं, हम नहीं, पेपर कटिंग आपको बोले हैं, तो ऐसा न्यूज आया है। दूसरा, आवासियों को लेके, ये दोनों वीडियो कल जाएगा सुबह में, इन द मॉर्निंग आपको मिल जाएगा। आवासीय का मामले आ रहा है कि पैसा देके, घूस देके ब्लॉक में बनाया जा रहा है, तो आप लोग भी सतर्क रहिए। ये कोई प्रारंभिक संघ का जो अध्यक्ष होता है या जिला अध्यक्ष, आप लोग का अध्यक्ष होगा प्रत्येक जिला का, जो शिक्षक बहाली होने वाली है, तो उसी का काम नहीं है, ये आपका भी दायित्व है। आप भी जाइए ब्लॉक, जहाँ जो जिस लेवल पे, पंचायत लेवल, ब्लॉक लेवल, एसडीओ लेवल, सब जगह आप लोग कहिए, सभी एकजुट होकर गइए। जब एकजुट थे तब तो बहाली आने वाली है, तब तो लेटर जारी, सॉरी विज्ञप्ति आई, तो आप लोग अभी भी एकजुट रहिए, नहीं तो अदर स्टेट वाले, ये हम नहीं बोल रहे, ये आपके भले के लिए बोल रहे हैं। हम तो चाहते सबको जॉब हो जाए, अब कुछ यूपी झारखंड के साथ बोलेंगे नहीं, हम नहीं, कुछ अभ्यर्थी का ऐसा कमेंट आया, तो आप लोग सतर्क रहिए, आप लोग अच्छे से बहाली कराइए, आवासीय जातीय ये सब फर्जी नहीं बने, नहीं तो आप ही लोग को दिक्कत होगा, ज़्यादा दिक्कत होगा तो फिर कटअप हाई चला जाएगा, ठीक है। तो इस पर ध्यान दीजिए, इंडायरेक्टली आप समझ सकते हैं। चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, इसी तरह अपना प्यार देते रहिए। जय हिंद, जय भारत।